एक ऐसा टाइम था जब पेट्रोल के प्राइसेस 60 रुपीज़ पर लीटर थे, और अभी एक ऐसा टाइम आया है जब पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज़ पर लीटर हो रहे हैं। सो गाइस, आखिर पेट्रोल के प्राइसेस इतने इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं, और पेट्रोल के प्राइसेस इंडिया में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल के प्राइस इंडिया में आखिर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन और शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ, जिसके ये इन्फॉर्मेशन उनके पास भी चले जाए। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, क्रूड ऑयल। वेल गाइस, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्रूड ऑयल होता क्या है। तो गाइस, क्रूड ऑयल एक नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ओशन के बेडशीट्स के नीचे पाया जाता है। ड्रिलर्स इसको एक्सट्रैक्ट करके बाद में फैक्ट्रीज में इसको भेजकर रिफाइन करके ही पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। यानी कि अगर आसान भाषा में हम समझें तो क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है। क्रूड ऑयल की फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक ब्लैकिश येलोइश सब्सटेंस होता है। अभी गाइस, होता क्या है कि क्रूड ऑयल का इंडिया में कोई रिजर्व नहीं है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल अलग अलग कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट करता है। जैसे कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ईरान, इराक, सऊदी, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां से इंडिया इंपोर्ट करता है। और गाइस, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इंडिया को ये सारी कंट्रीज को एक बहुत ही हैवी पेमेंट करना पड़ता है। अभी गाइस, ये जो क्रूड ऑयल होता है ये अपने प्राइस में डायनेमिक होता है, यानी कि क्रूड ऑयल का कोई परमानेंट फिक्स प्राइस नहीं होता, ये डिपेंड करता है उसके डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जैसे कि इंडिया अगर कोई ऐसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है जिस कंट्री में अगर क्रूड ऑयल का सप्लाई ना हो, और अगर इंडिया में डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। और क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ने का मतलब है हमारे पेट्रोलियम का प्राइस बढ़ना। तो गाइस, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल के प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। क्योंकि जब तक हमें क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा तब तक क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल नहीं बन सकता, इसलिए सब कुछ डिपेंड करता है इस मेन क्रूड ऑयल के ऊपर। नंबर टू, रुपी एंड डॉलर। गाइस, क्रूड ऑयल कॉस्ट और राइज इन डिमांड के बाद अगर कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पेट्रोलियम प्राइस इंडिया में इतने बढ़ते हैं, वो है रुपी एंड डॉलर। गाइस, असल में होता क्या है कि हमारे जो जितने भी पेट्रोलियम की डील्स होते हैं वो सारे डील्स डॉलर्स में होते हैं, और क्योंकि हमारा रुपी डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ जाता है इसी रीज़न की वजह से। नंबर थ्री, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। सो गाइस, इंडिया ने क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट कर लिया और सारे डील्स भी हमारे डॉलर्स में हो गए, लेकिन इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, तो आइए देखते। तो गाइस, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2018 में हमारे इंडिया को इंपोर्ट किए हुए क्रूड ऑयल का कॉस्ट था $85.5 एक बैरल का, यानी कि 6,196 पर बैरल। और गाइस, एक बैरल में 159 लीटर्स होता है, यानी कि अगर एक लीटर की बात करें तो वो 38.97 में इंडिया ने इंपोर्ट किया था। तो गाइस, आप सोचोगे कि 38.97 में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया था तो हम लोग कितना ज़्यादा प्राइस क्यों देते। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये 38.97 क्रूड ऑयल इंपोर्ट हुआ था। और गाइस, क्रूड ऑयल एक रॉ फॉर्म का पेट्रोलियम होता है जो कि आप व्हीकल्स में रन नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल को बाद में रिफाइन करके ही पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। अभी गाइस, अगर आप दूसरे मिसलिनियस एक्सपेंसेस देखोगे, जैसे कि एंट्री टैक्स हो गया, आपका रिफाइनिंग कॉस्ट हो गया, वैट हो गया, उसके बाद कमीशन हो गया, उसके बाद फाइनल कॉस्ट ऑफ वैट हो गया, ऐसे करके करके अलग अलग मिसलिनियस एक्सपेंसेस जुड़ के आपका फाइनल प्राइस यहाँ पे बनता है। नंबर फोर, वैट प्राइसेस ऑन पेट्रोल। अभी गाइस, ये वैट होता क्या है? गाइस, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, और इसके ऊपर दो बॉडीज का हाथ रहता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। अभी गाइस, होता क्या है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी होती है वो हमेशा एक फिक्स वैट परसेंट चार्ज करती है जो कि है 33%। वहीं पर अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो हर एक स्टेट का अलग अलग वैट परसेंटेज होता है। इसीलिए आपको हमेशा ये दिखा होगा कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स अलग अलग पेट्रोल प्राइसेस लेती है। कुछ स्टेट्स बहुत ही महंगी होती है, कुछ स्टेट्स बहुत ही सस्ती होती है पेट्रोल के प्राइस के कंपैरिजन के ऊपर, क्योंकि गाइस इसके पीछे हाथ रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वैट परसेंटेज। अभी गाइस, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स है पेट्रोल के ऊपर अलग अलग वैट परसेंटेज चार्ज करती है। कुछ स्टेट्स बहुत ही ज्यादा वैट परसेंटेज चार्ज करती है, कुछ स्टेट्स बहुत ही कम चार्ज करती है। गाइस, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर दो स्टेट्स को हम पकड़ेंगे, दिल्ली और मुंबई, तो आपको ये पता चलेगा कि दिल्ली में वैट परसेंटेज है 27%, वहीं पे मुंबई में वैट परसेंटेज है 38.11%। यानी कि गाइस, यहां पे 11% का डिफरेंस है। दिल्ली जहां पे 27% चार्ज कर रही है, वहीं पे महाराष्ट्र 38.11% चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल प्राइस अगर आप कंपेयर करोगे उसमें भी डिफरेंस है। न्यू दिल्ली में 91.17 लीटर पेट्रोल है, वहीं पे मुंबई में वहां पे चार्ज लेती है 97.57। इसलिए गाइस, वैट परसेंटेज मुंबई में क्योंकि ज्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम का प्राइस भी मुंबई में ज्यादा है। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, और दोस्त लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कमेंट में कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, एंड हैव अ नाइस डे।